दोस्तों YouTube चैनल है कोने के किस्से आप अक्सर सुनते चले जा रहे होंगे, जहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल हैक हो जाते हैं, जिसके बाद में वो ईमेल कर कुरा के ले लेते हैं बहुत जल्द ही। लेकिन कई लोग जो मेरी तरह इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, या फिर दूसरे यूट्यूबर्स जिनकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं होती, वो महीनों महीनों तक लटक जाते हैं अगर एक बार यूट्यूब चैनल हैक हो जाए। और वही अटैम्प्ट मेरे साथ भी किया गया था। किसने किया था मुझे नहीं मालूम, कैसे हुआ था उसके बारे में भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैंने बताया था आपको कि एक YouTube की तरफ से वार्निंग आई थी कि किसी ने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी है मेरे जीमेल को हैक करने की। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ में, जिसके बारे में मैंने जब बताया तो लोगों ने कहा कि ये स्टोरी शेयर करना कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे क्या हो रहा था। देखो, वो दिन था शायद 1 अक्टूबर का दिन हो गया था। मैंने शायद लाइव स्ट्रीम 2 बजे बंद करी थी या 1:30 बजे बंद करी थी। उसके बाद में मैं ट्विच के ऊपर किसी और की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, क्योंकि अच्छा लग रहा था गेम प्ले, तो 3 बजे तक मैंने देखा। और उसके बाद में 3 बजे के बाद में मैंने अपना देखो इसको चैनल को ओपन करने की कोशिश की कि चलो देख लेता हूँ किस किस की क्या कमेंट आई है, हार्ट वाट दे के सो जाते हैं या फिर जो भी अच्छी कमेंट है उनको रिप्लाई कर देते हैं। सो वो करने की जब मैंने कोशिश करी तो मैं अपना जीमेल ओपन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर किसी ने पहले ही उस पर इतने सारे अटैम्प्ट कर दिए थे उसको एक्सेस करने के लिए कि वो ब्लॉक कर दिया था गूगल ने। अब उसको मैं भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर मुझे लगा अब तो मामला हो गया ख़राब, क्योंकि गूगल वहाँ पर कह रहा था कि भाई अब वेरीफाई करो कि ये तुम ही हो, और उसके लिए ईमेल वीमेल करने पड़ते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि भैया 5-6 दिन का टाइम लगता है इसमें। और मे भी उस दिन 3 बज रहे थे, 3 बजे से मैं 7 बजे तक जगा रहा, देखता रहा कि क्या है क्या नहीं है, पूरी कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद में अब मुझे भी नींद आनी चालू हो गई थी, बेशक से कितना ही नर्वस हूँ कितना स्ट्रेस में हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ जब मैंने नोटिस करी कि गूगल ने मेरा जीमेल ब्लॉक कर दिया है, तो मैंने कहा ठीक है ब्लॉक कर दिया है, ये मेरा है और मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं अपने आप को वेरीफाई कर ही लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा। उसके बाद में फिर मैंने कहा चल सो जा आराम से, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जिसने भी अटैम्प्ट किया उसने इतने अटैम्प्ट कर डाले कि मेरा जीमेल ही ब्लॉक कर डाला कि ना तेरा ना मेरा, ऐसा ख्याल कर दिया। मैं कहा चल सोते हैं, फिर मैं सो गया। उसी दिन उठा 1-2 बजे, क्योंकि 7 बजे सोया था। उठने के बाद में फिर मैंने दोबारा से कोशिश करी। अब अच्छी चीज़ ये थी मेरे साथ में कि उसमें 2-way वेरिफिकेशन थी, रिकवरी वगैरह था, तो मैंने सीधा का सीधा अपना सिस्टम ही रिकवर कर डाला, जो भी जीमेल का पासवर्ड वगैरह था वो पूरा रिकवर कर डाला, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई वेरीफाई करने की। हालांकि पंगा मेरे साथ में एक उससे पहले ये हो रहा था कि जीमेल को मैंने जब ईमेल किया तो वो कह रहे 5-6 दिन लगेंगे, यूट्यूब को भी किया वो भी कह रहे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो जीमेल वालों का है, तो अलग अलग ब्रांच है इनकी। सो जीमेल की कोशिश करी, जीमेल कहते 5-6 दिन लगेंगे, मैंने कहा यार ये तो अलग ही सीन हो गया। लेकिन उसके बाद में तुक्का मेरा भिड़ गया सही कि मैंने कहा कि चलो रिकवरी करके देख लेते हैं, तो रिकवरी की, तो अपना पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करी तो वो सही हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वापस आ गया। और आपको एक भी दिन का स्किप देखने को नहीं मिला कि इसने आज वीडियो नहीं डाली, वरना उस दिन मुझे लग रहा था कि यार अब तो गया, अब मामला महीनों के लिए गया, अब शायद ये कंटिन्यूटी जो चल रही है वो नहीं रहेगी, और अब शायद मुझे ये भारत वाला जो दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करता था अब वहीं पर बताना पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये देखो इसको वाले सब्सक्राइबर को कैसे पता लगेगा कि मेरा जीमेल हैक हो गया, वो तो ये कहेंगे लगता है कोरोना हो गया, अब ये क्वारंटीन में पड़ा होगा, तो ये सीन था। सो खैर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया उस दिन, क्योंकि सीन ये था कि जैसा मैंने बताया ब्लॉक हो गया था मेरा जीमेल, मैंने कहा कि चल ब्लॉक हो गया ना ये अच्छा है, मेरा है, मैं प्रूफ वगैरह दे दूंगा, जो भी आईडी प्रूफ वगैरह जो लगेगा दे देंगे भाई, अपना है तो मिल ही जाएगा, अगर चोरी किया होता तो मैं डर के सोता कि अब क्या होगा। सो उस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली, मैं सो गया, और ना ही मैंने किसी को बताया था कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। और एक दिन हाँ बता दिया था, क्योंकि जब गूगल की सिक्योरिटी अलर्ट अपडेट आई थी जिसके बारे में बताया था मैंने आपको, उसी में बताया था कि इस तरीके के सीन मेरे साथ में वो हैकिंग वैकिंग का अटैम्प्ट हुआ, तो वो फिर वहीं से लोगों ने पूछना शुरू किया था कि भाई हुआ क्या था, एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी, इसके बारे में बताना ज़रूर, तो कई सारे लोग वेट कर रहे थे। सो मैंने कहा चलो आज इसी के बारे में बता देते हैं, हालांकि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मतलब अटैम्प्ट किया था किसी ने और
कई सारे उसने शायद रॉन्ग पासवर्ड डाले या कुछ करने की कोशिश करी थी। हालांकि वार्निंग के अंदर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आ रहा था कि किसी ने आपके ही डिवाइस के ऊपर से आपके जीमेल को एक्सेस करने की कोशिश करी। अब मेरे पीसी के ऊपर तो कोई बैठता तक नहीं है, कोई इसको यूज़ करता नहीं है, तो कोई ऐसा अटैम्प्ट करेगा क्यों। हाँ, पीसी में कोई इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक रीज़न हो सकता है। और उस दिन मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी, नहीं करी थी, उससे पहले करी थी, नहीं करी थी, शायद मैं गेमें खेलता हूँ और गेमें भी खरीद के खेलता हूँ, तो ये इशू कैसे हुआ होगा पता नहीं। हाँ, फ्री की भी एक दो गेमें खेली हैं, लेकिन वो डेमो होते हैं तो उनकी वजह से नहीं, मैं नहीं समझता उनकी वजह से होगा। मे भी किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पे मैं गया हूँ, क्योंकि कई वेबसाइट होती हैं जिन पे जाने को मना किया जाता है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती चले जाते हैं कि यार कंटेंट है उसके ऊपर देखने दे, तो ज़बरदस्ती हम उस पर घुस जाते हैं। कई वेबसाइट होती हैं जहाँ पर हम कुकी अलाउड कर देते हैं जबकि वो सिक्योर्ड नहीं होती। मे भी शायद मैंने ऐसा कर दिया हो, जहाँ पर कुकी एक्सेस करने की किसी ने कोशिश करी। और कुकी में तो सारा का सारा होता है कि कुकी अगर आपके हाथ में आ जाए तो आप नेटफ्लिक्स तक के अकाउंट फ्री में चला सकते हो, तो ऐसे भी सीन होते हैं। क्योंकि कुकी होती है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो उसको डालो किसी में, उसके बाद में उससे एक्सेस कर सकते हो कई सारी चीज़ें। तो हैकर इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। हालांकि एप्लीकेशन वगैरह भी होती है, एक्सटेंशन वगैरह भी होते हैं, कई सारे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं क्रोम के अंदर, वो भी शायद दिक्कत दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ था नहीं मालूम, कोशिश हुई थी, गूगल ने ब्लॉक कर दिया, उस हिसाब से मैं बचा, वरना शायद। सो घुमा फिरा के बात यही आ जाती है कि अगर आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, आप भी अपने जीमेल को सिक्योर रखना चाहते हो, तो इधर उधर की वेबसाइट पे अगर जा भी रहे हो जो कि सिक्योर नहीं है, जहां पर क्रोम खुद कह रहा है कि मत जा वहां पे, वहां दिक्कत हो जाएगी, वहां पे मालवेयर मौजूद है, वहां पे ये वायरस मौजूद है, वो वायरस मौजूद है, खुद क्रोम देता है ऐसी वार्निंग, लेकिन हम नहीं, हम तो जाएंगे, हम चेक करके आएंगे वहां पे क्या है, और उसके बाद में ये किससे हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्रोम के जो थर्ड पार्टी एक्सटेंशन इधर उधर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हो और मैन्युअली लगाते हो उनको, क्रोम ऑटोमेटिकली नहीं लगाता कि एक बटन दबाया और क्रोम ने डाउनलोड करके डाल दिया, आप डाउनलोड करके लगाते हो, तो वो भी दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ में ऐसा हुआ। हाँ, किसी वेबसाइट पर गया होऊंगा उसकी वजह से हो सकता है। एग्जैक्टली खैर मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन जितना पता था उतना आपको बताया। और कई तरीके के ईमेल आपके पास में आते होंगे जहाँ पर कहा जाता है कि ये प्रमोट कर दो, वो प्रमोट कर दो, मेरे पास में भी आते हैं, रोज आते हैं, माइक भी हिल गया, माइक ने भी कहा कि हाँ तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ। सो ये चीज़ें होती रहती हैं और ईमेल वगैरह आते रहते हैं, जिनमें से कुछ ईमेल मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस किस तरीके के ईमेल होते हैं। सो जैसे कि ये एक ईमेल आया था मुझको, जहाँ पर ये मारिया वीएस गार्ड, ये मतलब अच्छे जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं या फिर किसी भी कंपनी का नाम भी रख देते हैं, इसका तो खैर मुझे पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। एक तो डोमेन खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, ठीक है, तुम बात कर रहे हो $3,000 की, $13,000 की, उसी से पता लग जाता है कि भाई ये कंपनी क्या है क्या नहीं है। इन्होंने एक और ईमेल किया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर मैंने कहा चलो मजे ही ले लेते हैं इनसे। मैंने कहा 13,000 इज़ वे टू लो फॉर सच काइंड ऑफ प्रमोशन। उसके बाद में इसको किसी ने पहले ही ब्लॉक करवा दिया था, मतलब रिपोर्ट कर दी होगी कि ये स्कैम कर रही है या ये कुछ भी कर रहा है, जो भी है ये कोशिश कर रहा था कि ये सॉफ्टवेयर तो किसी तरीके से अपने पीसी में डाल, मैं तुझे इतने हज़ारों $1,000 दूंगा। तो अपने को तो पता था, औरों को भी पता होता है कि इतने पैसे कोई नहीं देता है। सो यहाँ पर इसीलिए मैंने मज़े में कह दिया था कि 13,000 तो बहुत कम दे रहा है तू, और अगर ये एक दो ईमेल और करता फिर मैं इसके साथ में और मज़े लेता, लेकिन यहाँ पर पहले इसकी रिपोर्ट हो चुकी थी कि ये फ्रॉडिया है। इसके बाद में एक और ईमेल आता है जहां पर ये एड मैनेजर वेरोनिका अगेन, बट डोमेन नहीं खरीद सकते तुम अटेम्प्ट कर रहे हो अगर किसी को मतलब हैक करने का, उसके लिए कम से कम $10 तो खर्च करो। डोमेन आता है 10 का, बल्कि अब तो सस्ता भी आ जाता है, 99 रुपये का भी आता है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, पैसों की तो खैर अभी बात हुई नहीं, क्योंकि अब ये स्मार्ट हो गए, अब थोड़ा सा ना इनके अंदर स्मार्टनेस आ गई कि सीधा पैसों की लालच में कोई नहीं फंसता, हम पहले ऐसे ही बात करके देखेंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम जेन्युइन हो तो भी मान जाता हूँ, पहले तो पता लग जाता है कि कौन जेन्युइन है, इतना लंबा कोई नहीं रखता नहीं है नाम, ठीक है। फिर मैंने कहा भैया ऐसा है, तू मुझे वीडियो बना के भेज दे, मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूंगा। फिर उसके बाद में इनके ये चीज़ें आ जाती हैं, इन्हें पता लग जाता है कि बंदा नहीं फंसने वाला। अब यहीं पर एक और ईमेल आता है मुझको, ये है रे मोर्टेन करके, अब इसका भी ये देखो रे लाइव स्ट्रीम, डोमेन ही नहीं है अगले का, जीमेल से भेज रहा है। देखो अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि एक तो फ़ोटो नहीं, ऊपर से ये जो सॉफ्टवेयर है इसका खुद का ऑफिशियल डोमेन है,
और वो अगर मुझे ईमेल भेजेंगे तो वो अपने डोमेन से भेजेंगे, वो मुझे जीमेल से क्यों भेजेंगे? सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। उसके बाद मैं कहता है कि हम तुझे 500 देंगे, 1100 देंगे, 1750 देंगे, 1100 देंगे, मतलब अलग अलग चीज़ों के रेट लिख दिए, मैं पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा। फिर मैंने मजे लेने शुरू किए अपने, मैंने कहा नो, नॉट इंटरेस्टेड, प्राइस इतना कम है, मैंने प्राइस रखा क्योंकि मुझे पता है भाई बंदा क्या है। मैंने कहा प्री रोल का लूँगा $10,000 और कोई भी शॉर्ट क्लिप अगर डलवाओगे तो उसके लूँगा $15,000 और पूरी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं लूँगा तुमसे $35,000। अब खुद कन्वर्ट करके देख लो कि ये कितने होते हैं। तो इसने भी लोन लिखा, इसे भी पता लग गया कि यहाँ इसे पता है कि ये क्या है। सो लालच के चक्करों में फंसोगे तो रिस्क में तो आप पड़ ही जाओगे। तो सीधा सी ये चीज़ थी जो कि होती रहती है, और जो स्टोरी आपको जाननी थी वो मैंने डाल दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।